मेरा नाम डॉक्टर मुजफ्फर मकबूल है। आई एम वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। कोविड-19 कहर बरपा है, हम सब इस बात से खूब वाकिफ है कि कोविड-19 की हालत बहुत तश्वीशनाक हो गई है। सो इट बिकम्स वेरी इम्परेटिव हम समझ ले ये बात, क्योंकि ये दिस इज द चंक ऑफ द पॉपुलेशन हु इज बीइंग मैनेज्ड एज कोविड। हमको समझना बहुत जरूरी यहां बन जाता है कि इन पेशेंट्स को जैसे ही अलामत लगे, जैसे ही इनको लगे कि इनमें से कोई भी अलामत इनको आने लगी है, जस्ट डू नॉट पैनिक एंड डू नॉट डिले। वो अपने नजदीकी कोविड केयर सेंटर्स से राबता करें, जहां पे डॉक्टर साहिबान ये डिसाइड करेंगे कि इनको दाखिले की जरूरत है या किसी खास इलाज की जरूरत है। ये चीज आजकल के वक्त में जो मेरे जहन हिसाब से और मेरे जहन के हिसाब से व्हाट आई फील इज दैट दिस इज द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज जो एनी डिले इन सीकिंग ट्रीटमेंट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स इज गोइंग टू प्रूव डेट्रीमेंटल। प्लीज डू नॉट टेक स्टीरॉइड्स अननेसेसरी, खुद स्टीरॉइड स्टार्ट ना करें। माइल्ड डिजीज में रिपीट सीटी स्कैन करने की जरूरत नहीं है। And regarding the diet of these patients, they should hydrate themselves well. Achha pani piye, rest kare, or they should take a good, healthy and a nutritious diet. We should include vegetables and fruits. Jinko ye danger signs ya warning signs nahi hai aur gharon mein isolated hai, asymptomatic hai. Asymptomatic ke liye main ek baat bata deta hoon that preferably they should isolate इन अ रूम जिसमें सेपरेट बाथरूम फैसिलिटी हो। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये समझे, अब जो नई गाइडलाइंस आई है उनके हिसाब से दोज पेशेंट्स हु आर एसिम्प्टोमेटिक, जैसे ही 10 दिन हो जाते हैं दे कैन कम आउट ऑफ द आइसोलेशन विदाउट एनी रिटेस्टिंग। और वो पेशेंट जिनको माइल्ड सिम्टम्स है दे हैव टू काउंट फ्रॉम द डे दे बिकेम सिम्टोमेटिक, डे वन ऑफ द सिम्टम्स से आगे जाके दे शुड बी एसिम्प्टोमेटिक फॉर एटलीस्ट 3 डेज, और कम से कम 10 दिन हो गए होने चाहिए जब वो आइसोलेशन से बाहर निकल सकते हैं विदाउट बींग रिटेस्टेड। रिगार्डिंग जो इनके केयर गिवर्स है, आइडियली वी शुड सिलेक्ट अ केयर गिवर हु इज अ हेल्दी वन, प्रेफरेबली अगर वैक्सीनेटेड है, यंग है, एंड वंस ही कम्स इन कॉन्टेक्ट विद दिस पेशेंट उसके कमरे में अगर वो आए तो द पेशेंट शुड बी वेयरिंग अ मास्क, सर्जिकल मास्क और N95 मास्क, और एंड जो केयर गिवर हो वो भी प्रॉपर मास्क में हो। देन जो उनके जो आइटम्स हैं, जो डिस्पोजेबल आइटम्स एंड अदर थिंग्स, उनके यूटेंसिल्स एंड उनकी जो वहां पे से जो डिस्पोजेबल्स है दे शुड बी पैक्ड इन अ टाइटन और इन अ बैग एंड विच शुड बी कंप्लीटली क्लोज एंड देन डिस्पोज प्रॉपरली। आम तासुर लोगों में आ गया है कि कोविड के लिए स्पेशल डाइट, I will convey my message that there is no special diet for COVID-19. जो कोई चीज खाने में आप कंफर्टेबल हो, preferably a healthy one and a balanced one, I think that diet should do.